रामा साहब, आप बार बार वही सवाल कर रहे हैं यार। मैं जा रहा हूँ, सॉरी क्या? आप, मेरे कौन पास बात? ये वक्त तो नहीं है। पहली दफा किया है। मेरे पास वक्त नहीं है, आई एम सॉरी। आप अजीब से भाई, सवाल। मेरी बात तो सुने। नहीं सॉरी, मेरे पास वक्त अस्सलामु अलैकुम। कन्फ्यूज टॉक की अगली एपिसोड के साथ अल्लामा साहब हाजिर हैं आपकी खिदमत में, और आज हमारे मेहमान हैं फेक प्रैंकस्टर। फेक क्यों? वो मकसद ये है कि मेरे कहने का मकसद ये है कि जो फेक प्रैंकस्टर्स हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। तो आप मुझे फेक क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं ना कि इस वक्त चल ये रहा है कि सारे प्रैंकस्टर फेक हैं। तो उनकी वजह से मुझे मत इस तरह करें। मैं तो आपके पास बड़ी मुश्किल से आया हूँ, टाइम नहीं होता मेरे पास। आपके पास टाइम नहीं होता जी? मेरे शूट्स वगैरह चल रहे हैं, मेरा क्रू वेट कर रहा है सारा बैठा हुआ। आपका जी तो इंटरव्यू के लिए तो टाइम निकाला है ना आपने? मुश्किल होता है, मैं इंटरव्यू ज्यादा देता नहीं हूँ, इसलिए मैं बिजी होता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं होता इंटरव्यूज के लिए। मैं वैसे भी 19 साल का हूँ, अभी मैं इंटरव्यू देने लग जाऊँगा। अभी पूरी लाइफ पड़ी इंटरव्यू के लिए। अभी 19 साल की एज में मैंने इतना कुछ कर लिया, पिछले नाम कमा लिया। पिछले 4 सालों से आप खुद को यही कह रहे हैं कि मैंने 19 साल में, सबसे कम उम्र हूँ, मैंने 19 साल में ये किया। 4 सालों से क्या मतलब? आप कब से देख रहे हैं मेरी वीडियोस? मकसद ये है कि जब से भी देख रहे हैं, कब से हैं आप यूट्यूब पे? मैं 5 साल हो गए मुझे। अच्छा, बहुत सीनियर है। अब 19 साल का हूँ मैं। अच्छा ये बताएं, छोड़ें इस। अच्छा माशाल्लाह, आपने तो बहुत कम उम्र में शुरू किया। जी। अच्छा ये बताइए कि सच्ची सच्ची बताना है आपने। मैं झूठ कब बोलता हूँ? अच्छा आप नहीं बोलते, अच्छा ठीक है। आपने बताना ये है कि ये जो प्रैंक्स होते हैं जी, ये मोस्टली लोग कहते हैं कि ये फेक होते हैं, तो आप क्या, आपके प्रैंक्स भी फेक हैं या आप खुद फेक हैं? या मेरा मतलब के आप यानी आपके प्रैंक्स भी फेक हैं? राम साहब, आप बार बार फेक की बात कर रहे हैं मुझे देखकर। मुझे ये टॉन्ट लग रहा है अपने आप पर। देखें, मेरे प्रैंक्स जो हैं वो फेक नहीं होते हैं। बाकी जितने भी हैं लल्लू बंजू यूट्यूबर्स हैं, उनके फेक होते होंगे, मैं फेक नहीं करता हूँ। आप रियल मेरे रियल प्रैंक्स होते हैं, उनके स्क्रिप्टेड होंगे, मैं नहीं करता। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे कॉल आ रही है। नहीं, इंटरव्यू है ना, मेरी बात सुने ना। अरे जरूरी कैमरे चल है, रहे हैं, जरूरी कॉल है, बाद में कर लीजिएगा यार। 10 मिनट का इंटरव्यू है, कमाल हो गया। जी जी, हुक्म करें आप। हाँ, आपके बारे में मशहूर है ना एक पुरानी जो जुगत बहुत आम है, कहनू तक घरों सालन नहीं लगता। ये किसने कह दिया? ये लोग कहते हैं ना आमतौर पर आप फनकारों। अच्छा ये बताएं, मेरी कामयाबी से चलते हैं सब लोग, आप भी चल रहे हैं रामा साहब, तो अलग बात है। अच्छा ये बताएं, एक बात बताएं कि ये इस वक्त फिर क्यों यूट्यूब पे पूरा रौला डला हुआ है? वो हारे सामान फेक, शामीर अब्बास फेक, नादिर अली फेक, अल्लामा साहब फेक। बहुत इस तरह के वो कहते हैं, सारे जो है ये फेक ही करते हैं। तो आप सब स्क्रिप्टेड करते होंगे, आपको देखो किसी ने? मैं तो स्क्रिप्टेड नहीं करता हूँ, मेरे लिए कोई प्रूफ ला दे कि मैं फेक करता हूँ तो फिर भी है। तो सबूत ही तो एक दूसरे के देते फिर रहे हैं वीडियो। मैंने तो कभी किसी का सबूत नहीं दिया, मैं तो फेक करता ही नहीं, मैं क्यों किसी का सबूत दूं? तो हमने तो देखा आपकी वीडियोस चली हुई हैं। वो गलत चली हुई है, मैं नहीं उस वीडियो में, कोई और है, बहरूपिया है मेरा। गंदी वीडियो भी चली हुई है, वो बहरूपिया है, मैं नहीं हूँ, वो किसी और ने मेरा वो बालों का कलर करवा कर किया हुआ, जो भी किया, क्लीन शेव करवा के, मैं नहीं हूँ। मैं तो अब दाढ़ी उगा दी। अब उगाइए जाके, मतलब था मेरा, मैंने पहले से उगाई, पहले से मेरी दाढ़ी है, स्टार्ट से, पहले थोड़ी थोड़ी भी थी। अच्छा जी, पहले से है। यो भी हैं आप थोड़े? मैं यो भी हूँ काफी हद तक। काफी हद तक। अच्छा ये बताइए, चलो ये इसको छोड़ते हैं हम, ये आपको कितना वक्त लगता है स्क्रिप्टेड प्रैंक करने में? मैं आपको एक बात बता दूं अलामा साहब, कि मैं पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर हूँ। मुझ में मल्टीपल टैलेंट्स हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ। मैं डांस भी कर सकता हूँ, मैं रैप भी कर सकता हूँ, और मैं प्रैंक्स भी करता हूँ। मैं फनीस्ट, सबसे ज़्यादा मैं पहला यूट्यूबर हूँ जिसने 1 मिलियन क्रॉस किया। फेक होते हैं प्रैंक्स, मेरे फेक्स फेक नहीं होते प्रैंक्स जो हैं, मतलब ये जो अभी तो ये भी है, नादिर अली भी कहता है P4 पका हुआ वाला, कि उसके फेक नहीं होते, उसके 100% फेक होते हैं। मैं अब क्या बताऊँ आपको, इसलिए मैंने, मुझे किसी ने बताया था, लेकिन मैं... अच्छा अच्छा छोड़ें, मैं ये आपकी हम जाती लाइफ के हवाले से लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप ये बताइए कि रामा साहब, मेरे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से जरा कर लीजिए। हाँ, कर ये बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैंने BSc किया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, वाह वाह वाह। तो क्या सब्जेक्ट्स क्या थे आपके सब्जेक्ट्स? मेरे मुताले पाकिस्तान, उर्दू, इस्लामियात, ये 3 सब्जेक्ट थे बस। तो ये BSc में तो नहीं होते ये?
कौन कहता है बीएससी में नहीं होते, बीएससी में होते हैं, होते नहीं है बीएससी में। मैंने खुद बीएससी किया था, मतलब डिग्री बड़ी है मेरे पास। अब आप उसको भी फेक कह दें तो अलग बात है। नहीं लेकिन ये तो सब्जेक्ट्स जो, अच्छा अच्छा बीएससी में होते कितने सब्जेक्ट? तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान और उर्दू। कहाँ से किया आपने? मैंने ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आपने इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान और हिस्ट्री पढ़ी है? जी बिल्कुल, ऐसे यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ। वाह 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 वाह, आप तो बहुत पढ़े लिखे। जी बस वो मम्मी डैडी को बहुत ज्यादा शौक था कि मतलब हमारा बच्चा जो है बाहर से पढ़ के आया ब्रिटिश, इसलिए मेरा एक्सेंट भी ब्रिटिश है, मैं बोलता भी वैसे ही हूँ। तो कितने महीने पढ़ा है आपने? मैं डेढ़ मंथ पढ़ा हूँ बस, और डिग्री मिल गई मुझे। उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो उन्होंने मुझे डेढ़ माह में आपने बीएससी कर ली? जी बिल्कुल, मैं पहला पाकिस्तानी जिसने डेढ़ माह में ऑक्सफोर्ड से बीएससी किया। यार ये तो पकड़ा ही नहीं दे रहे यार, वाकई अब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं आप। हम सब टाइम 12 बज चुके हैं, देखने आप बार बार सवाल नहीं कर रहे हैं। मेरी बात तो सुने, मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। घबराए हुए क्यों है? घबराया हुआ नहीं हूँ बस, असल में वो और भी बहुत से काम है ना, तो आप सवाल कुछ अजीब से कर रहे हैं मुझसे। आप मेरे काम की तरफ आए, आप पढ़ाई की तरफ क्यों जा रहे हैं? कॉन्फिडेंस क्यों कम है इतना? कॉन्फिडेंस किसने का कम है? मुझे नजर आ रहा है आपके हवाएं उड़ी हुई हैं। नहीं वो बस इस तरह इंटरव्यू में देता नहीं हूँ ना किसी को, फर्स्ट टाइम है मेरा इसलिए। अच्छा अच्छा, सवाल ये है कि यूट्यूब से कितने कमा लेते हैं? अलामा साहब ये पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप मुझे? देखें अजीब से सवाल पूछ रहे हैं आप बार बार। नहीं सारा जानना चाहते हैं ना लोग कि कौन क्या कमाता है, इसलिए मैं मुझे इचिंग हो रही है, आप अजीब से सवाल पूछ रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं आप बार बार। कमा लोगे। अच्छा ये बताएं कि जिम्मेदारी, एहसास से जिम्मेदारी क्या क्या करना चाहते हैं? प्रैंक्स करके आप करना क्या, मैसेज क्या है इसका मकसद? अगर पैसे कमाना है तो वो बता दें, शोहरत हासिल करना है तो वो बता दें, या कोई और खिदमत कर रहे हैं आप मुल्क की, कौम की, लोगों की, तो एजुकेट करें तो वो बता दें। मैं लोगों को हंसाता हूँ बस, यही मैं कहूँगा बाद में, और क्या कहूँगा आपको? लोगों को हंसाते हैं जी, माशाल्लाह, खुशी देता हूँ, इसमें क्या गलत है? हाँ तो शादी का इरादा है? अलामा साहब आप बार बार वही सवाल कर रहे हैं यार, मैं जा रहा हूँ, सॉरी यार, ये तो पहली दफा किया है, मेरे पास वक्त नहीं है, आई एम सॉरी। आप अजीब से मेरी बात तो सुने। अभी कह रहे थे मैं फेक नहीं हूँ, प्रैंक्स क्या फेक होने, खुद फेक हैं हजरत। अल्लाह हाफिज़।